नमस्कार। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि महावितरण विद्युत सहायक और उपकेंद्र सहायक की भर्ती को लेकर महाराष्ट्र स्टूडेंट में काफ़ी आक्रोश फैल चुका है, और ये आक्रोश इसलिए फैला है क्योंकि इस भर्ती को चलते कम से कम एक साल हो चुका है और अभी तक इसका जो रिजल्ट वो जारी नहीं हुआ है। इसलिए जो महाराष्ट्र के बेरो ने एक फैसला लिया है कि 16 अगस्त 2020 को एक आंदोलन करने वाले हैं, और उस आंदोलन का नाम रखा गया है आत्म दहन आंदोलन। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, इस आंदोलन में आप बढ़ चढ़कर भाग लीजिए। अगर आप इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं तो आपके लिए गोल्डन चांस है, आपकी जो भर्ती है वो शायद कंप्लीट भी हो जाए। नहीं तो इस भर्ती को लेकर जो ऊर्जा मंत्री नितिन रावत ने जो एक अपनी पोस्ट डाली है फेसबुक पर, वो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या बोलागा। उससे पहले बता दूँ कि दोस्तों आपको आत्मदहन आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेना है। जितने भी हो सके आपके जितने भी संपर्क में जो भी स्टूडेंट है विद्युत सहायक से, उनसे संपर्क कीजिए, और उन 16 अगस्त 2020 को आत्मदहन आंदोलन होने वाला है, तो आप भी उस आंदोलन में आइए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। तो ऐसा करने से आपकी जो विद्युत सहायक की जो मेरिट लिस्ट हो में भी लग सकती है। मेरा काम है आपको गाइड करना। तो फेसबुक पर गुणवंत सिंधे ने यहाँ पर एक पोस्ट डाली है जिसमें बोला गया कि महोदय, आप भर्ती रद्द करके क्या हासिल करने जा रहे हैं, हमें आपके पदों से अलग लगता है। महोदय, हम निजीकरण करना चाहते हैं। उपरोक्त पोस्ट हमारे राज्य के माननीय नितिन रावत साहब द्वारा पोस्ट की गई है। उनका कहना है कि उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी छात्र जो 8 दिनों में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बाद चुने गए हैं। मुझे लगता है कि माननीय ऊर्जा मंत्री के फेसबुक पर 23 जून को पेज बना गया होगा, क्योंकि यह 1 महीने के लिए बुला गया है। और अब ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कंपनी के पास पैसा नहीं है, और कंपनी के पास 1 महीने पहले करोड़ों रुपये थे, अब 1 महीने में कंपनी का बोझ कहाँ था। जब पोस्ट किया गया था तब कोई कोरोना नहीं था, जैसे अब सवाल उठ रहे हैं। मैं सिर्फ सर को बताना चाहता हूँ कि इसमें राजनीति न करें, क्योंकि जिन बच्चों ने जो किया है वे सभी गरीब घरों के हैं बच्चे हैं। राजनीति को अलग रखकर माननीय महोदय भर्ती प्रक्रिया को तुरंत पूरा करें। यह कारण है कि आज आपके पास पैसा नहीं है। आप कह रहे हैं कि लेकिन आप इस जगह पर ठेका श्रमिकों को जो सम्मान दे रहे वही सम्मान आप उपकेंद्र सहायक और बिजली सहायक को दें। हम समझते हैं कि कोई अतिरिक्त बोझ नहीं है, आप समझना चाहिए, क्योंकि आप महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री माननीय श्री चंद्रशेखर बावनकुले सर ने जी भर्ती प्रक्रिया निकाली है। इसमें सभी संगठनों को विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें सभी संगठन के साथ चर्चा और आदान प्रदान करके इसे पूरा करना चाहिए। लिखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह पद आपके पास जाना चाहिए और भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाना। तो दोस्तों ये पोस्ट की थी नितिन रावत ऊर्जा मंत्री ने, जो कि मैंने आपको पढ़कर बता दी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले।